यदि आप गेमिंग करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि हम इसमें कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे TWS जो कि गेमिंग सेंट्रिक TWS हैं, वो भी बोट के। एक है बोट एयरड्रॉप्स 191G जो कि थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था, एक है रिसेंटली लॉन्च बोट एयरड्रॉप्स 190। ये दोनों की दोनों गेमिंग TWS हैं, तो हम इसमें कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर मैं इन दोनों TWS की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करूं, तो इन दोनों का डिजाइन तो भाई लगभग काफी सेम सा ही लगता है देखने में, बट लुक्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं, क्योंकि आ तो प्लास्टिक बिल्ड में ही जाता है, बट इन दोनों के लुक्स को ही काफी गेमिंग सेंट्रिक लुक्स दिया है कंपनी ने। दोनों ही TWS में आपको ब्रीदिंग LED लाइट का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि भाई गेमिंग करते टाइम यूज करने में काफी ज्यादा कूल दिखता है। बट बोट एयरड्रॉप्स 191G के जो बड्स हैं वो मुझे लुक्स में थोड़े से डिफरेंट लगे, क्योंकि इसके बड्स ट्रांसपेरेंट लुक के साथ आ जाते हैं, तो ये भी एक डिफरेंट बात हुई। अगर मैं दोनों ही TWS की कनेक्टिविटी की बात करूं, तो एयरड्रॉप्स 191G में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, वहीं एयरड्रॉप्स 190 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ फास्ट पेयरिंग भी मिलेगी। तो कनेक्टिविटी के मामले में तो 190 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं, तो एयरड्रॉप्स 191G में आपको 12 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, वहीं 190 में बोट ने ये तो नहीं बताया ड्राइवर कितने mm के हैं, बट उसमें आपको बोट सिग्नेचर साउंड देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही TWS में क्वाड माइक के साथ ENX टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो इस मामले में तो ये दोनों के दोनों नेक टू नेक वर्क कर रहे हैं। अगर मैं वाटर प्रोडक्शन की बात करूं, तो 191G में आपको IPX5 की वाटर प्रोडक्शन मिलती है, वहीं 190 में आपको IPX4 की वाटर प्रोडक्शन ही मिलती है, पर दोनों के दोनों TWS में टच जेस्चर कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इन दोनों TWS की गेमिंग मोड की बात करें, जिस वजह से हम इनका कंपैरिजन कर रहे थे। तो दोनों ही TWS में आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाएगा, जिसको बोट बीस्ट मोड बोलती है। 191G में आपको 65 ms की लो लेटेंसी मिल जाएगी और 190 में आपको 50 ms की लो लेटेंसी मिलेगी, लेकिन 191G थोड़ा पुराना भी है, बट गेमर्स के लिए डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। और अगर मैं आप बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं, तो 191G में आपको 30 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, वहीं 190 में आपको 40 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, तो 10 घंटे का गैप भी काफी ज्यादा होता है। और अगर फास्ट चार्जिंग की बात करूं, तो 191G में आपको 10 मिनट में 3 घंटे का फास्ट चार्जिंग मिलता है, और 190 में कोई फास्ट चार्जिंग बोट ने क्लेम नहीं की है अब तक। अब अगर लास्ट में बात कर लूं प्राइस की, जिसके बल पे हम इन दोनों को जज करेंगे, तो 191G आपको 1199 की प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है अभी, और बोट एयरड्रॉप्स 190 आपको 1299 की प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है, तो वही 100 रुपए का डिफरेंस है, इतना कोई ज्यादा मायने तो रखता नहीं है। तो भाई ये तो बता दी मैंने फीचर, अब मैं कंक्लूजन की बात कर लूं, तो देखो 191G थोड़ा सा पुराना है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी काफी सही है, तो इन दोनों में से आपको 190 की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो अपग्रेड वर्जन है, ऑब्वियस ही बात है। तो यदि आपको अपग्रेड करना है या फिर बाय करना है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप दोनों इजीली कर सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी और कंपैरिजन के साथ, जब तक टेक केयर।